इन साथियों स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर सिक्स में। दोस्तों जो भी छात्र राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी कि NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के जरिए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की परीक्षा देने चाहते हैं या देने जा रहे हैं और उनके लिए एग्ज़ाम शेड्यूल किया गया है, आपका एडमिट कार्ड कैसे मिलेगा ये इस वीडियो के माध्यम से हम जानकारी देंगे और आपकी परीक्षा की जो तिथि है वो कब से शुरू हो रही है उसके बारे में भी इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने जा रहे हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप यहाँ पे नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर एक अपडेट जो कि आपकी परीक्षाओं से या फिर आपके एकेडमिक से संबंधित हो या नई वैकेंसी से संबंधित हो हम आप तक साझा करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा एजुकेशन की एटेसिक्स का। तो चलिए जो भी छात्र यहाँ पे देख रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए गए हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे चलते हैं नोटिफिकेशन पे चलते हैं। आपको एक नोटिफिकेशन यहाँ से देखने को मिलेगा दोस्तों जो कि अपडेट किया गया था 26 तारीख को ही शायद, और उसके बाद आज का भी एक अपडेट है, एक नया नोटिफिकेशन उसमें भी आपको दिखलाऊंगा कि कितने छात्र जो है इसका परीक्षा भी दे रहे हैं। तो देखिए ये जो है आपका NIOS का जो एग्ज़ाम है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के पाठ्यक्रमों पर आधारित है, ये सैद्धांतिक परीक्षा है जो कि अप्रैल 2024 परीक्षा चयनित परीक्षा केंद्रों पर 6 अप्रैल से लेकर 22 मई तक जो है आयोजित कराई जाएगी। यानी कि आपका जो है 6 अप्रैल से इसका परीक्षा शुरू हो रहा है, यानी कि परसों से ही इसका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, 22 मई तक जो है इसका एग्ज़ाम चलेगा। अब ये आप छात्र पूछेंगे कि सर ये होता क्या है, NIOS क्या है, तो ये एक ऐसा संस्था है दोस्तों जो कि वैसे लोग जो कि कहीं अन्य कार्यों में कहीं जॉब में है या किसी कार्य में है पर वो रेगुलर पढ़ाई अपनी नहीं कर पाते हैं तो वो डिस्टेंस से अपनी पढ़ाई कर लेते हैं, तो उसी तरह का ये फैसिलिटी है जो कि यहाँ पे भारत सरकार के अंतर्गत ये एक स्वायत्त संस्था है NIOS जो कि आपको ये डिग्री प्रदान करती है आप इसका एग्ज़ाम देते हैं। तो स्कूल और शिक्षा और साक्षरता विभाग की तरफ से शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत यह एक बॉडी है, गवर्नमेंट ऑफ बॉडी है। तो यहाँ पे बता दें कि NIOS के जरिए जो है आपको ये अपडेट दिया जा रहा है, तो अब आपको समझ में आया होगा यहाँ पे। अच्छा इसके लेकर जो अभी एक नया अपडेट आया है इसके नोटिफिकेशन को लेकर, तो ये आप लोग देख लीजिएगा जरा यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखिए ये जो है 3 अप्रैल का नोटिफिकेशन है जहाँ पे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा को लेकर बिहार के संदर्भ में दिया गया, ठीक है। तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान क्षेत्रीय केंद्र पटना की तरफ से ये अपडेट है दोस्तों, यानी कि बिहार में जो छात्र ऐसे हैं जो कि एग्ज़ाम देना चाहते हैं NIOS के जरिए माध्यमिक या उच्च माध्यमिक का, वैसे बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जैसे कि अगर उन्होंने BSEB के जरिए एग्ज़ाम दिया या ICSE बोर्ड या CBSE के बोर्ड के एग्ज़ाम दिए, किसी पेपर में वो फेल हो गए तो वो डिस्टेंस से मतलब जो है ना अपना ग्रेजुएशन कर लेते हैं, सॉरी इंटर 10th या 12th का एग्ज़ाम देकर पास हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो है फैसिलिटीज अपडेट की गई है, तो 6 अप्रैल से 22 मई तक जो है आपका ये सैद्धांतिक परीक्षा आयोजित होने वाला है। यह अवगत कराना है कि जो आपका राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान NIOS के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की परीक्षा 6 अप्रैल से लेकर 22 मई तक होने जा रही है और बिहार राज्य के केंद्रीय विद्यालय, जी हाँ आप नोट कर लीजिएगा, केंद्रीय विद्यालय में इसका सेंटर हो सकता है, नवोदय विद्यालय, CBSE और राज्य के विद्यालयों के सहित कुल 52 ऐसे विद्यालयों को चिन्हित किया गया है जहां पर परीक्षा का केंद्र बनाया गया है तथा राज्य के 15 ऐसे कारागारों में, अब देखिए बिहार में 15 ऐसे जेल हैं जहाँ पर कुछ छात्र बंदी बने हुए हैं, है ना, जैसे कि कुछ किसी केस में चले जाते हैं अंदर तो रेगुलर तो पढ़ाई कर नहीं पाते तो NIOS के जरिए भी अपना परीक्षा देकर 10th या 12th पास करते हैं। तो 15 ऐसे कारागार हैं जहां पे बंदियों के लिए भी परीक्षा का केंद्र बनाया गया है। माध्यमिक में करीब 1069 तथा उच्च माध्यमिक में 2145 शिक्षार्थी जो हैं, यानी कि जो शिक्षार्थी जो हैं परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं यानी कि अभ्यर्थी। तो आपको बता दें कि ये सैद्धांतिक परीक्षा हेतु परीक्षार्थियों का हॉल टिकट NIOS के ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है जिसे कि आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इस संबंध में किसी प्रकार की अगर असुविधाएँ होती हैं तो आपको एक देखिए टोल फ्री नंबर भी दिया गया है यहाँ पे और एक ईमेल आईडी भी दिया गया है, इस ईमेल आईडी को आप लोग नोट कर लीजिएगा, rcpatna@nios.ac.in है जो कि आपका ईमेल आईडी है, इस पर मेल करके जानकारी ले सकते हैं या फिर इस दिए गए नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं अगर कोई भी समस्या एडमिट कार्ड को लेकर अगर अपडेट होता है, अगर आपको सूचना नहीं मिलती है। तो ये एक अपडेट था दोस्तों जो कि क्षेत्रीय निदेशक क्षेत्रीय केंद्र पटना की तरफ से अपडेट किया गया है NIOS के जरिए जो कि हमने आप तक साझा किया है। दोस्तों अगर आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर फिर से आते हैं
तो आप यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा संस्थान पे, तो आपको यहाँ पे जो है ना इम्पॉर्टेंट लिंक में भी आपको मिलेगा, या एग्ज़ाम एंड रिजल्ट पे क्लिक कीजिएगा, एग्जामिनेशन पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे डाउनलोड एग्ज़ाम जो है आपका हॉल टिकट जो है आपका 2024 का जो है अप्रैल मई वाले जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका यहाँ पे दिख जाएगा लिंक। तो यहाँ से आप लोग क्लिक कर लीजिएगा, और जो है आप क्लिक करने के बाद जो है अपना इनरोलमेंट नंबर जो कि आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो एक रोल नंबर आपको पब्लिक किया गया होगा जो कि दिया गया होगा हॉल टिकट फॉर द सेकेंडरी और सेकेंड सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज फॉर अप्रैल मई, जो कि अभी 6 अप्रैल से लेकर 22 मई तक एग्ज़ाम होने जा रहा है, उस एग्ज़ाम को लेकर आपका रोल नंबर यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर डालना है, ठीक है, जिसे रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो आपको मिला होगा। और यहाँ पे जो है टाइप ऑफ थ्योरी एग्ज़ाम, जिसका किस परीक्षा का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो यहाँ से क्लिक कीजिएगा, तो हॉल टिकट फॉर थ्योरी एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दोनों के लिए यहाँ पे आप लोग अपना जो है एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं जिस भी परीक्षा के लिए आप दे रहे हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि 12 डिजिट का ये रोल नंबर और सिलेक्ट करना है, और हॉल टिकट पे क्लिक सबमिट पे क्लिक कर लेना है, आपका जो है एडमिट कार्ड यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो आप अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी कोई समस्या है तो दिए गए नंबर पर जो है कॉल कर लीजिएगा या ईमेल कर लीजिएगा, मैं वो PDF जो है आपको अपने टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर इस वेबसाइट पे भी आपको यहाँ पे अपडेट किया गया एक टोल फ्री नंबर, इस पर भी आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। किसी छात्र का ऐसा रोल नंबर है, इनरोलमेंट नंबर, या जो भी छात्र डाउनलोड नहीं कर पा रहे, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपका डाउनलोड करके आपको शेयर भी कर दूँगा टेलीग्राम पर, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो एक छोटी सी जानकारी थी दोस्तों जो कि हमने आप तक साझा की है, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की तरफ से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का एग्जाम डेट आ गया है, एडमिट कार्ड आ गया है, डाउनलोड कीजिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक।